बाबा राम रहीम के चलते सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच तो जरूर रहे होंगे कि आखिर कौन सा एक्टर है जो राम रहीम के चलते मुसीबत में फंस गया है। अरे भाई, वो कोई और नहीं बल्कि आलिया भट्ट है। ये तो आप जानती हैं कि कुछ दिनों से आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म राजी की शूटिंग के लिए पटियाला पहुंची थी और पिछले दो दिनों से पंचकुला में हुई हिंसा के बाद आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई परेशान है। इस बढ़ते विवाद के चलते आलिया की फिल्म राजी की शूटिंग ठप हो गई है और वो अभी भी वहीं फंसी हुई हैं। आलिया के अलावा उनके साथ फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार और विकी कौशल भी वहीं फंसे हुए हैं। बता दें कि 25 अगस्त से डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम पर रेप के आरोप साबित होने के बाद पंजाब और हरियाणा में हिंसा भड़क उठी है, जिसके चलते फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार ने राजी की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वक्त की नजाकत को देखते हुए शूटिंग के बाद आलिया और उनकी टीम होटल के कमरे में ही ठहरी हुई हैं। आपको बता दें कि इस हिंसा के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी ठप हो गई थी। साथ ही अगर बाबा राम रहीम गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद शहर में हिंसा भड़क जाने का खतरा है, जिसके चलते एक हफ्ते तक फिल्म की शूटिंग को टाला जा रहा है और पूरे एक हफ्ते तक टीम को नजरबंद होना होगा। खैर, अब देखना तो ये होगा कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग आगे दोबारा शुरू करेंगे या फिर वापस लौटने की तैयारी करते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।